स्वागत है दोस्तों आपका टाइम्स ऑफ नॉलेज चैनल में। और जैसा कि मैंने पिछला वीडियो आपको बताया था, जो बनाया था पिछला वीडियो मैंने, वो डिटेल नोटिफिकेशन के लिए बनाया था आपके, ठीक है, कि कैसी आपके एग्ज़ाम पैटर्न होंगे, क्या क्या आपको करना है, क्या क्या लास्ट डेट है, फर्स्ट डेट है, फीस है, कैसे कितनी स्टेज में होगा, क्या प्रोसेस है आपकी सिलेक्शन की और कब एग्ज़ाम होगी, ये सब चीज़ें डिस्कस की थी हमने लास्ट वीडियो में। बट उसके साथ साथ आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि आप पोस्ट जो भरेंगे फॉर्म में, कौन सी प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट का जो मैंने आपको जिक्र किया था उस वीडियो में, तो वो कैसे भरेंगे, क्या क्या पोस्टें हैं वो मैं बता दूं कि 84 डिपार्टमेंट्स हैं, 84 पोस्ट हैं। ये चीज़ आपको मैंने उस वीडियो में नहीं बताई थी, तो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। पहले वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये वाला वीडियो देखें। इसमें 84 पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ 84 डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं इन्होंने अलग अलग। ये आपको कहाँ मिलेंगे, उसी डिटेल नोटिफिकेशन में मिलेंगे आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, डाउनलोड करिएगा और उसी में आपको लास्ट में मिलेंगे, ठीक है। आपको जितने भी सर्टिफिकेट्स होंगे ना लास्ट में, उस सर्टिफिकेट्स के बाद में आपको ये मिलेगा, तो ये चीज़ पढ़िएगा आप, ठीक है, मिस मत करिएगा। और वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ क्या है। तो यहाँ पर दे रखा है उन्होंने 84 पोस्ट पैरामीटर्स, यानी कौन कौन सी पोस्ट आपको भरनी है, किस किस आरआरबी में कौन सी पोस्ट निकली है। ये चीज़ हमने पहले डिस्कस नहीं की, कितनी निकली है ये पता था हमें, कि हमने देखा था उस टेबल में, बट कौन कौन सी निकली है और कौन कौन सी आप पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस में डाल पाएंगे, कितनी कितनी कैटेगरी में, अलग अलग आरआरबी में जो भी आप ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको एक ही आरआरबी लेनी है, उसमें कौन कौन सी पोस्ट आपको भरनी है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वो इस वीडियो में आपको मैं बताता हूँ। देखिए पोस्ट पैरामीटर्स, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है डेजिग्नेशन, जो कि आपको किस डेजिग्नेशन की पोस्ट है, तो ये यहाँ है असिस्टेंट लोको पायलट फर्स्ट नंबर। सेकंड देखेंगे डिपार्टमेंट बता रखा है, इलेक्ट्रिकल वाला एससी में सेकंड वाला देखेंगे आप, तो सेकंड में असिस्टेंट लोको पायलट और मैकेनिकल दे रखा है, ठीक है। तो इसमें डिपार्टमेंट के पास सब डिपार्टमेंट दे रखा है, वो ट्रैक्शन दे रखा है, उसका मेडिकल स्टैंडर्ड जो मैंने वहाँ जिक्र किया था आपको, मेडिकल स्टैंडर्ड का कैटेगरीज जो देखी थी हमने, A1 B1 B2 एंड C1, तो उसमें A1 कैटेगरी होनी चाहिए यहाँ पे। और इसके साथ साथ सुटेबिलिटी विद पर्सन, मतलब PWD जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वाले, तो उसमें इस पोस्ट में भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे वो चीज़ इन्होंने बता रखी है, नो, यानी कि यहाँ नहीं भर सकते। ऐसे ही अगले में किसी में बता रखा हो कि हाँ भर सकते हैं या नहीं भर सकते, यहाँ पे जैसे कि आप थर्ड वाला देखेंगे तो आपको OL BL वाले भर सकते हैं, HH वाले भर सकते हैं, ये उन्होंने बता रखा है, ठीक है। अब इसके साथ उन्होंने लास्ट में क्या बता रखा है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी। मैंने जैसा बताया था आपको वीडियो, अगला वीडियो होगा इस पर, बट वो मैं इसके बाद बता दूंगा, ये चीज़ आपको बतानी जरूरी थी तो इसलिए मैं अभी यहाँ पहले बता रहा हूँ। अगले वीडियो में आपको सारा क्वालिफिकेशन का डाउट सारा मैं क्लियर कर दूंगा, आप बेफिक्र रहिए, अगला वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, ठीक है। इंजीनियरिंग वाले, बीटेक वाले या फिर आईटीआई वाले, 10+2 वाले, 10 ITI वाले या 12 ITI वाले, ठीक है। तो यहाँ पहले मैं एक फिर भी एक चीज़ डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक चीज़ का, सबका नहीं करूँगा तो आप समझ जाएंगे इसको लेके भी। आप देखिए तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ए वाला देखेंगे तो ए में दे रखा है मैट्रिकुलेशन प्लस SSLC प्लस ITI, यानी कि आपको 10+ ITI होना चाहिए या फिर 12+ ITI, ये लोग भरेंगे। किस में होनी चाहिए ITI वो यहाँ बता रखी है, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके साथ आपको देखेंगे यहाँ पे मैट्रिकुलेशन प्लस SSLC और कि मैं देखेगा प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड्स आई मेंशन अबाउ, इसमें होना चाहिए आपको ये चीज़ 10+ ये या फिर आपका 12+ ये होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने थर्ड चीज़ क्या दे रखी है, बी में देखिए, बी में दे रखा 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल, ठीक है। तो ये 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए या फिर ITI होनी चाहिए रिलेवेंट से, जो भी ITI रिलेवेंट होते हैं इसमें 3 ईयर डिप्लोमा के साथ साथ, तो ये चीज़ आपका होना चाहिए तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। इसी के साथ साथ उन्होंने लिखा नोट में एक डिग्री इन इंजीनियरिंग, यानी कि आप जो डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एस मेंशन अबाउ, यानी कि जो आपको 3 ईयर डिप्लोमा जो बता रखा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर जो है BE BTEC वाले, वो भी भर सकेंगे इस फॉर्म को। तो यहाँ पे आपका थोड़ा बहुत डाउट तो यूँ ही क्लियर हो चुका है, फिर भी आप वेट कीजिए अगला वीडियो में और क्लियर कर लेंगे हम जिनको नहीं होता है। तो पहला वीडियो ज़रूर देखेंगे, इसके बाद वाला भी आप लोग ज़रूर देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है। अब अगले देखेंगे असिस्टेंट लोको पायलट मैकेनिकल का दे रखा है, तो मैकेनिकल के लिए भी बता रखा है सेम वैसा ही क्वालिफिकेशन बता रखा है फर्स्ट जैसा। इसी साथ अलग देखेंगे तो इसके साथ हम थर्ड वाला देखें तो टेक्निकल ग्रेड थर्ड आर्मेचर एंड कॉयल वाइंडर दे रखा है, इलेक्ट्रिकल होना चाहिए सब डिपार्टमेंट, जनरल सर्विस B2 कैटेगरी होना चाहिए और यहाँ पे OL BL वाले भर सकेंगे, HSS वाले भर सकेंगे। इसका सर क्या देखा है 10+ ITI या फिर 12+ ITI। इस और में दे रखा है 10+ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप्स इन द ट्रेड मेंशन अबाउ, ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बता रखी है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, आप अलग अलग कैटेगरीज पढ़ें, किस किस कैटेगरीज में आप आ रहे हैं, एलिजिबल हो रहे हैं वो आप सिलेक्ट करके लिखिए कि हाँ मैं इस में हो रहा हूँ, मैं ये पोस्ट भर सकता हूँ। उसके बाद क्या करना है वो मैं बताता हूँ। तो ये देखिए आप सेट ट्रेड, सबसे पहले 84 नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं,
ठीक है, ये रहे 84 नंबर्स, ठीक है, इसमें आप छाट लीजिए, मैं किस किस में आता हूँ, मेरे को किस किस में भरनी है, ठीक है। इसके बाद आपको आता है कि आपको सबसे पहले क्या बताया था मैंने कि आपको एक ही RRB सिलेक्ट करनी होगी। तो यानी कि आप कोई एक RRB सिलेक्ट करेंगे तो उसमें आपको पता है कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो आपको पता चल गई थी पिछले वीडियो में, बट वो उसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं ये नहीं पता था कि कौन कौन से आप भर पाएंगे, यानी कि आप लोको पायलट उसमें भर सकते हैं या नहीं भर सकते पोस्ट में, या फिर उसमें वाइंडर है, ब्लैक स्मिथ है, या फिर दूसरे है नहीं के टेक्नीशियंस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अगली यहाँ पता चलेगी। देखिए अब अगली यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दे रखा है डिटेल ऑफ RRB वाइज, यानी कि RRB कौन सी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी पोस्ट है और कौन कौन से में आप एलिजिबल और भर सकते हैं या नहीं भर सकते, वो यहाँ बता रखा है। देखिए RRB अहमदाबाद सबसे पहले दे रखा है ADI, तो RRB ADI में क्या क्या पोस्ट हैं इसमें दे रखा है, जैसे 4 नंबर की पोस्ट जो हमने पीछे डिस्कस करी है 78 वाली भर सकता है, 63 वाली भर सकते हैं, 51, ये अलग अलग दे रखे हैं कि आप ये ही पोस्ट आप भर सकेंगे इस RRB में अगर आप दे रहे हैं तो, ठीक है। तो वो डिपार्टमेंट सब डिपार्टमेंट पिछले में देख लिया हमने, इसके साथ साथ उन्होंने रीजन दे रखा, रेलवे रीजन वेस्टर्न रीजन ही आएगा अहमदाबाद में, और देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज तो किस किस कैटेगरी में कौन कौन सी वैकेंसीज है वो यहाँ बता रखी है। अब आपको क्या करना है कि आपको सारी RRB सबसे पहले सिलेक्ट करनी है, कौन सी RRB देनी है, उसके बाद आपको सारी पोस्टें देखनी है किस किस में आप एलिजिबल हो रहे हैं, उसके बाद आपको मैच करना है इन चीज़ों से, इन टेबल से कि आप उस RRB में कौन कौन सी पोस्ट निकली है, किस किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट भरनी होंगी, ठीक है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट की यही है जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस की है और आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो अब ये देखिए अलग अलग, इसके बाद आप देखेंगे तो सेकंड अजमेर RRB दे रखी है, उसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं ये दे रखी है अजमेर RRB, इसी के साथ साथ सेकंड थर्ड अलाहाबाद RRB, ऐसे सारी RRB बेंगलोर RRB भोपाल RRB, तो ऐसे सारी RRBs हैं, उसमें प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट के लिए आपको सबसे पहले ये चीज़ जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने प्रोसीजर बता दिया, देखिए आप कितनी पोस्टें हैं, कितने आप क्वालिफाई हो पा रहे हैं, एलिजिबल हो पा रहे हैं वो देखिए, उसके बाद RRB देखिए आपके RRB कौन सी सिलेक्ट करनी है, तो उसमें RRB में कौन सी कितनी पोस्टें आपकी हैं जो आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं, उस क्वालिफाई कर पा रहे में कितनी वैकेंसीज किस किस पोस्टों में हैं वो देख के आप प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट डालिए, ठीक है। ये प्रोसीजर होगा आपका प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट का, तो सबसे पहले ये चीज़ आप देख लीजिए और उसी डिटेल नोटिफिकेशन में आपको लास्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं वीडियो को एंड करता हूँ, अगले वीडियो में आपको डाउट्स क्लियर करने हैं, फिर सिलेबस डिस्कस करना है, तो काफ़ी कुछ है, तो पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये वाला वीडियो को देख जो देख रहे हैं वो पिछला वीडियो पहले देखें, और डिटेल वाले नोटिफिकेशन पूरा हमने डिस्कस किया है वहाँ पर, और आने वाले वीडियो भी ज़रूर देखें जो कि सिलेबस या फिर आपके डाउट्स होंगे क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर वो डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ हम आगे बुक्स भी देखेंगे। तो बाकी वीडियो भी देखें, जो जो वीडियो हमने बना रखे हैं चैनल पे आपके रिलेटेड हैं या आप कुछ काम आ सकते हैं तो आप ज़रूर देखिएगा।